So this is going to be the entire place for bike riding, car, so ऑफ़रोडिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा और ऑफ़रोडिंग का मज़ा, डर्ट बाइक का मज़ा. आई एम हियर. जगह का नाम वगैरह मैं बाद में बताता हूँ. दिस प्लेस इज गोइंग टू बी वेकेशन स्पॉट फॉर ऑल बाइकर्स इन फ्यूचर. आई एम सो लकी दैट आई कुड व्लॉग दिस. थैंक यू टू बॉबी सर कि ये सब मुझे करने मिल रहा है. मतलब इनिशियल स्टेज, मतलब प्लानिंग वाला टाइम है ये, मतलब कि क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, डिज़ाइन कैसा होगा इसका, कहाँ पे क्या होगा, स्टेइंग क्या होगा. एंड इफ वी स्टार्ट बिल्डिंग दिस फॉर एग्जांपल बाय नेक्स्ट वीकेंड, how much time it takes? Do you have any clue? Honestly, I was not expecting it to be so huge. तो ये जो बाइक जब यहाँ पे चलना शुरू होगा तो जो अमाउंट ऑफ लेवल पे आवाज़ आएगी वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना किसी को, लेकिन मज़ा भी आ जाएगा. मज़ा तो आएगा. पीपल एटलीस्ट गांव वाले जो वो तो इतना इंटरेस्टिंग देखेंगे, उनका भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट. दो तीन एक डिप आ गया, एक ऐसा जाके ना ऐसा उसको मजा आना चाहिए, ऐसे ऐसे रूल जो बजाना चाहिए. इधर खड़ा रहने दो, इधर कम से कम 50 बाइक लगाने का जगह छोड़ दे, और ये जितना झाड़ है ना बस वो झाड़ से अपन लोग कवर हो जाएंगे. नेक्स्ट संडे विद एवरीथिंग ओके वी आर राइडिंग इट. ओके सोचो मत इतना कुछ, लेट्स राइड. वो मोटरसाइकिल, व्हाटएवर मोटरसाइकिल है बिलोंग टू अस. ओके सो व्हिच बाइक, एज सर आस्क्ड यू, व्हिच बाइक वर्सेस विल डू गुड ओवर हियर एज पर दी टेरेन एंड एज पर. तो मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने बॉबी सर को पूछा था, सो अभी दो प्लान है, एक तो है कार का भी, एक तो है बाइक का भी. तो डोंट यू थिंक द टेरेन विल चेंज फॉर अ बाइक? कार्स का भी कैसा है, वो अपन कार चलाते हैं तो वो नीचे दबता जाता रहता है, तो बाइकर को लिए डिफिकल्टी हो जाएगी कहीं ना कहीं. ओके बिकॉज अभी जो हम लोग का बात हो रहा था, अब शायद से कम्युनिकेशन में नहीं. सो हम लोग ने बोला कि जिधर अभी फर्स्ट हम लोग सोचेंगे कि फर्स्ट पहला बाइक का हो, बाइक के बाद बनने देखते हैं कि कार के लिए क्या कर सकते हैं. एवरी टाइम ही चेंज करने वाला है ट्रैक कि ये कैसा होगा. अभी फिलहाल तो इज द ट्री, मतलब वी आर डूइंग द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए पहले अपन बाइक के ऊपर देखेंगे कि किधर सॉफ्ट है किधर हार्ड चाहिए, देन आफ्टरवर्ड अपन फोर व्हीलर डालेंगे. फोर व्हीलर के लिए इतना, तो फोर व्हीलर के लिए इतना छोटा तो नहीं कर रहा है, दे आर प्लानिंग टू हैव अ बिगर ट्रक 10 जो एंड तक उधर से. ओके सो वो टायर का एंड ऑल दिस थिंग होने वाला है. तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से दो राइड से तीन राइड सफल बाइक एंड फोर व्हीलर. वैसे जिप्सी और यही आएगा, आएगा थार है, जिप्सी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा फॉर्च्यूनर वैगन वगैरह. ओके तो उन लोग को भी उन लोग का ट्रेनिंग सेशन होते रहते. तो किस तरफ गया तो ये पेरा पैर तो नीचे पहुंच गया तो गड़बड़ है. तो ये और ऑलवेज जब भी ऐसा वाला टर्न है ना वो इधर से इधर जाना चाहिए. नेक्स्ट संडे 10-15 बाइक इससे घूमेगा. मैं साइकिल भी लेके आता हूँ. फिर एक छोटा सा वो बीमैक्स के लिए बना सकते हैं. एब्सोल्युटली. Why? So then, that's what I then started asking innocently कि क्या करते हो, पापा से क्योंकि बेटी क्या है 30 किलोमीटर, you know at least पुलिस साइड यू गो यू कैन डू 100 नहीं but 30 किलोमीटर्स पे दे गेट टू वो अपना गेटवे पे जाके राइड खत्म होने से पहले इंस्टा पे आ गए आउट ऑन 45 किलोमीटर राइड. आपके पास बाइक कौन सा है? टाइगर. टाइगर सोच रहा था पर साइकिल ले लिया. ये सही था. इसके पीछे एक रीजन है, मैं एक्चुअली वेटिंग फॉर पैन अमेरिका.
एंड देन आई इवैल्यूएट पैन अमेरिका या फिर ट्रैम टाइगर, दोनों में से कोई। और वो इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिवर्स गियर भी है? हां उसके लिए वो इतनी बड़ी गाड़ी है, चलो ठीक है उसको तो रिवर्स लगेगा ही ना, उसको तो एक आदमी लगेगा, तू भाई पीछे पीछे खींच पीछे, लेकिन कंसेप्ट ये है कि अनटच रखना है, नेचर को वैसे ही रखना है और इसी को आगे बढ़ाते लेके जाए ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें। और बाइकर्स लोग के लिए ज़्यादा मोटिवेशन, बाइकर्स लोग के लिए हमने जो ट्रैक बनाया है तो उसमें कैसा कि आप आके यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, मुंबई में अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपको वो चीज़ करने नहीं मिलेगी जो हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, बट विद ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी फर्स्ट। चलो ठीक, चलो बाय, गुड मॉर्निंग। सो आज है वेनसडे, हम लोग गए थे संडे को, संडे को सिर्फ जो ट्रैक डिज़ाइन कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ आइडिया बताया था जो बनाने वाले हैं ये, कि ऐसे होना चाहिए। ट्रैक तैयार हो गया, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। संडे को प्लान है वाशी से कुछ राइडर्स जाने वाले हैं। सो दिस इज़ एन इनविटेशन टू ऑल द राइडर्स वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ हैं सब आ जाओ। सो जिस जिसको आना है संडे को, ऑफ कोर्स दे कैन कम। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप पहुंच जाइएगा। तो पीपल हु आर लिविंग नियर बदलापुर, लाइक अमरनाथ, डोंबिवली, उल्लासनगर, नेरल, शेलू, करजत, वांगनी, यहाँ पे जो जो लोग रह रहे हैं और उनको आना है, ऑफ कोर्स इट्स गोना बी लाइक क्लोजेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग करने मिलेगा। वाह, ऑफ रोडिंग इन मुंबई, ऐसे भी बहुत जगह पे होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन दिस इज़ अ न्यू ट्रैक, न्यू प्लेस एंड लॉट्स ऑफ फन फॉर मी, फॉर यू गाइस। आई एम हैविंग फन बिकॉज लास्ट टाइम मैं जब गया था तभी बहुत मज़ा आ गया और इस टाइम तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी प्लान तो मेरा ये है कि मेरा जो बेचारा गाड़ी है, आई एम थिंकिंग लाइक ट्रैक देखने के बाद कि थोड़ा सा ऑफ रोडिंग तो बनता है वहाँ तक जाने के बाद, पर अभी पता नहीं कि जो वो ढलान होती है नीचे उतरने के लिए वहाँ पे क्या हाल है। बिकॉज़ जब मैं लास्ट टाइम संडे गया था तो थोड़ा लूज़ था तो मुझे लगा कि गाड़ी फंस जाएगी, बट अगर अभी ऐसा नहीं रहा संडे को, कमिंग संडे को, सो यू विल सी अ हैचबैक, द प्रीमियम हैचबैक ऑफ आर इंडिया, फेमस हैचबैक ऑफ आर इंडिया डूइंग ऑफ रोडिंग। डर ये है कि बम्पर बाहर ना निकल जाए। सो एनी वे, लेकिन बाइकर्स के लिए मज़ा है, ऑफ रोडिंग बाइकर्स, एक्सपल्स, के टी एम, एडवेंचर, कावासाकी, व्हाट वाज दैट नेम, भूल गया मैं नाम, यार नाम कैसे भूल गया मैं, वेट, गॉट इट, कावासाकी वर्सेस 650, देन ट्रायम्फ टाइगर, फिर BMGS, ये सारी बाइक्स उतर सकती हैं इस ट्रैक में और जो चलाने वाला है वो उसको अच्छे से इन्जॉय कर सकता है कमिंग संडे इन बदलापुर। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट दैट, हिट इट राइट नाउ ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े। ओके, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ नोटिफिकेशन की मैंने वीडियो डाल दिया है। उसके बाद अपने दोस्तों का शेयर करो ताकि मालूम पड़े कि भाई पतलापुर में ट्रैक बन गया यार। और इसका मुझे थोड़ा बहुत मतलब आइडिया है कि क्या कॉस्टिंग होने वाला है एंड इट्स रीजनेबल, मुझे लगा नहीं था कि इतना रीजनेबल हो सकता है। और कुछ खाना वाना भी इन्वॉल्व है, मतलब ये वाला संडे का पता नहीं क्योंकि संडे ये तो टेस्ट राइड जैसा होगा, बट आगे जाके जब चालू हो जाएगा तो इट्स गोना बी लाइक वेरी रीजनेबल, लाइक बहुत रीजनेबल। मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया जो ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं कि इतना रीजनेबल कैसे है। सो जब होगा तब मैं इसको बताऊँगा चैनल पर, अभी तो मुझे
कंफर्म नहीं है इन्फॉर्मेशन. कंफर्म ये है कि संडे वी आर गोइंग फॉर राइड. वाशी से लेके बहुत सारे राइडर्स आने वाले हैं, साथ में मैं भी जाऊंगा ताकि मुझे व्लॉग बनाने मिले. एंड द पीपल हु आर डूइंग दिस, दे आर अमेजिंग, दे आर सुपर अमेजिंग, कूल. सो वीडियो बड़ा नहीं करते हैं और यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर. प्लीज़ सब्सक्राइब. टेक केयर. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. बाय. टेक केयर.